ही फ्रेंड्स वेलकम टू टॉपर्स वर्क आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया फोर्थ जिसका कि टाइम पीरियड है 1206 से 1550 इसके क्वेश्चन पेपर और ये थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों सो लेट्स बिगिन हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है डिस्कस द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हिस्टोरिकल लिटरेचर ऑफ़ डेली सल्तनत विद अ स्पेशल रेफरेंस टू जियाउद्दीन बरानि फतवाए जहानदारी सो so, जयाउद्न बनने की जब फतवा जहानदारी के विशेष संदर्भ में दिल्ली सल्तनत के ऐतिहासिक साहित्य के विभिन्न श्रेणियों का विवेचना करना है हमें इसमें ये क्वेश्चन दोस्तों आ, सोर्सेस से है पहला क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को रिस्की लगता है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको बरा जयाउ्दीन बनाने से ही पूछा कुछ और भी मान लीजिए देगा तो आप क्या करोगे सो so, इसमें श्योरिटी नहीं होती कुछ भी आ सकता है सो क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं इसमें क्रिटिकली एनालाइज करना है मोटिव एक्सटेंट एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ अलाउद्दीन खलजी एग्रागेरियन रिफॉर्म्स अलाउद्दीन खल के कृषि संबंधी जो सुधार थे उसके उद्देश्य विस्तार परिणाम इन सब का विश्लेषण करना है हमें इसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अलाउद्दीन खलजी पे क्वेश्चन बनता ही बनता है इसके मार्केट रिफॉर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों तो अलाउद्दीन खल आप जरूर देखना क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम प्लेज द ट्रांजेशन इन द सल्तनत रूलिंग क्लास अंडर द खलजीज एंड तुगलक्स तो खिलजे और तुगलक के अधीन सल्तनत शासक वर्ग के संक्रमण को रेखांकित कीजिए दोस्तों अगर आपको और भी प्रीवियस प्रिवियसर्स के क्वेश्चन पेपर अगर आप ढूंढ रहे हो तो वो सब आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सो प्लीज़ टॉपर्स वर्ग के प्ले को चेक करें प्रीवियसर्स के क्वेश्चन पेपर के लिए एंड दोस्तों अपने फ्रेंड्स से भी ज़रूर शेयर करें क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं डिस्कस द नेचर ऑफ़ विजयनगर स्टेट विद स्पेशल रेफरेंस टू अमराम राइट्स एंड नयाका चीफडम्स अमरम अधिकारों और नायक सरदारी के विशेष संदर्भ में विजयनगर राज्य के स्वरूप का विवेचन कीजिए विजयनगर स्टेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस पर पक्का क्वेश्चन आ ही जाता है मोस्टली नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इन वाट वेज डी दस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत एसलेरेट डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड मोनिटाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों यहाँ पर ट्रेड मोनिटाइजेशन और अर्बनाइजेशन तीनों एक ही क्वेश्चन में पूछा है बहुत बार अलग अलग क्वेश्चन भी बन जाते हैं जैसे कि ट्रेड का एक सेपरेट बन जाएगा अर्बनाइजेशन का सेपरेट बन जाएगा मोनिटाइजेशन पे शॉर्ट नोट दे देता है तो तीन तीन इसमें क्वेश्चन आप देख रहे हो एक ही क्वेश्चन के अंदर और आपको आठ पेज लिखना है मिनिमम मान लीजिए जहाँ इतना लिखते ही हैं और टॉपिक है तीन तो आप सबके बारे में भी दो-दो पेज लिख दोगे तो आपका उतना शीट भर जाएगा तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आपके लिए बहुत सही रहेगा व्यापार मुद्रीकरण और शहरीकरण के विकास के प्रसार को तीव्र किया गया इसके बारे में लिखना है आपको दिल्ली सल्तनत काल में ये सब आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे दोस्तों तो प्लीज़ जो है आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको हमारे प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है डिस्क्राइब द डिस्टिंगटिव फीचर ऑफ एनी टू प्रोविंशियल आर्किटेक्चर आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ योर स्टडी अध्ययन के लिए निर्धारित काल में किन्हीं दो प्रांतीय स्थापत्य कला के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर पर भी एक क्वेश्चन बनता ही बनता है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत इंटरेस्टिंग भी है इसमें आपको बोला नहीं है कि आपको किसका आर्किटेक्चर लिखना है आप किसी भी दो चीज का लिख सकते हो जो ऐसी चीज है जो इस टाइम पे बनी थी सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इवेलुएट विद सुटेबल एग्जाम्पल्स वेदर saints इन मेडिवल इंडिया सोसाइटी कुड बी labeled एज रिबेल्स और कन्फर्मिस्ट क्या मध्यकालीन भारतीय समाज की महिलाओं संतों को विद्रोही या अनुवर्ती कहा जा सकता है उपयुक्त उदाहरण के संदर्भ में आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है साथ में ही आपको एक एग्जाम्पल भी देना है आपको एक किसी आप जो भी आपका जो भी आपका आंसर है उसमें आपको किसी को कोट भी करना है है ना किसी हिस्टोरियंस आई मीन किसी जो सेंट है वुमेन सेंट उसके बारे में स्पेसिफिक होकर के लिखना है आप जो भी बात रख रहे हो उसमें एंड दोस्तों बींग ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री आप हिस्टोरियंस को कोट करना ना भूलें जितने भी हिस्टोरियंस हैं उनके नाम लिखें ये बहुत मस्त होता है दोस्तों अच्छे से अच्छे मार्क्स सिक्योर करने के लिए सो so, इस वीडियो से आपकी ज़रा भी हेल्प हो रही है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करें सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर एट जनरली जो क्वेश्चन नंबर एट होता है दोस्तों उस पर शॉर्ट नोट आता है बट ये ज़रूरी नहीं है कभी बहुत बार ऐसा होता है कभी कभी कि शॉर्ट नोट नहीं देता है दोस्तों सो so, चार से पांच टॉपिक आप पूरे अच्छे तरह से करके जाओ पांच टॉपिक है ना सो क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं राइट एंड एसे ऑफ सूफी लिटरेचर विथ स्पेशल रेफरेंस टू मलफूज़ात एंड प्रेमाख्यांस मलफुजात और प्रेमाख्यान के विशेष संदर्भ में सूफी साहित्य पर एक निबंध लिखिए यहाँ आप देख रहे हैं दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपका रिलीजन से है सो क्वेश्चन नंबर सेवन एंड क्वेश्चन नंबर एट दोनों ही जो है दोस्तों वो रिलीजन से है तो दैट्स इज फॉर टूडेज वीडियो इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अ न्यू टॉपिक थैंक यू